टेन फिंगर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की गणित का प्रश्नावली 15.1 का प्रश्न क्रमांक 18 एवं 19 हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 18 इस प्रकार से है, एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक की संख्याएं अंकित हैं। यदि इस पेटी में से एक डिस्क की यादृच्छिका निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी 2 अंकों की संख्या, 1 पूर्ण वर्ग संख्या, 5 से विभाज्य 1 संख्या। इसका फर्स्ट वाला पार्ट देखते हैं, 2 अंकों की संख्या। तो देखिए पेटी में कुल कितनी डिस्क है, 90 डिस्क हैं, तो हमारे पास कुल परिणामों की संख्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 90। कुल परिणामों की संख्या क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि प्रायिकता का सूत्र है हमारे पास अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। यहाँ पर कुल परिणामों की संख्या हो जाएगी एन एस बराबर 90। अब इसके बाद हम क्या लेंगे, अनुकूल परिणामों की संख्या। मेन यही निकालना होता है कि आप अनुकूल परिणामों की संख्या कैसे निकाल रहे हैं। तो फर्स्ट वाले में तो हो जाएगी इसमें हमसे पूछा है 2 अंकों की संख्या। तो देखिए ये 1 से लेकर 90 तक की जो संख्याएं होती हैं उनमें 2 अंकों की संख्या कितनी होती है ये आप कैसे पता करेंगे। 1 से लेकर 90 तक की हमारे पास संख्याएं हैं। अब हम देखिए जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा हम 1 से लेकर 90 तक के नंबर तो लिखने नहीं बैठेंगे। हमें पता है कि 1 से लेकर 9 तक के जो अंक हैं बस वो सिंगल होते हैं और बाकी सब डबल होते हैं, यानी 2-2 अंकों से मिलकर एक संख्या बनती है। देखिए 9 के बाद 10 आएगा 2 अंकों की संख्या, 10 के बाद 11 2 अंकों की संख्या, और उसके जितनी भी संख्याएं आएंगी वो सब 2 अंकों की होंगी, है ना, 90 तक। तो हम कैसे, ये 1 से लेकर 90 तक तो 90 संख्याएं हैं, इनमें से जो 1 अंकों की संख्याएं हैं 9 तक की जो संख्याएं हैं उनको हम घटा देंगे। 9 तक की संख्याएं कितनी हैं, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम यहाँ लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या में 90 ऋण 9 बराबर 81। अब ये 90 ऋण 9 कैसे किया है, ये आपको पता है कि 1 अंकों की संख्या घटा दी तो हमारे पास शेष बची 2 अंकों की संख्याएं। यहाँ पर हम लिख लेंगे 1 से 90 तक के बीच में 2 अंकों की संख्याएं, इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। इस ये हमने अनुकूल परिणामों की संख्या का वेरिफिकेशन दिया है, ये हो जाएंगी 81। अब बस ये हमने अनुकूल परिणामों की संख्या निकाल ली, अब एकदम सिंपल है, हम यहाँ पर लिखेंगे प्रायिकता PE बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अब अनुकूल परिणामों की संख्या हमने निकाल के रखी है, आप चाहे तो एन ई अपॉन एन एस लिख सकते हो, नहीं तो फिर सीधे सीधे आप मान भी रख सकते हैं। ये है 81 और ये है 90। इसको हम डायरेक्ट 9 से भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 9 81 और 9 3 90। 9 से भाग नहीं देना है तो पहले 3 से दे दीजिए, पुनः 3 से दे दीजिए, तब भी आंसर 9/10 आएगा। ये हो गया पहले वाले का आंसर। अब इसी का दूसरा भाग है, इसमें पूछा है एक पूर्ण वर्ग संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या 1 से लेकर 90 तक के अंकों में कितनी होंगी। तो देखिए हमारे पास टोटल 1 से लेकर 90 तक के अंक हैं, अब हम आपको पूरे अंक नहीं लिखेंगे। अब इनमें जो संख्याएं हैं, 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है 9, इसी तरह से 4 का वर्ग, 5 का वर्ग और 9 तक का वर्ग। 9 का वर्ग होता है 81 और 10 का वर्ग होता है 100। तो 10 का वर्ग तो हम नहीं ले सकते हैं, 9 का वर्ग तक लेंगे। अब 1 से लेके 9 तक की जो संख्याएं हैं, 9 तक के वर्गों की जो संख्याएं हैं वो पूर्ण वर्ग हैं। अब इनके वर्ग जो है हमें उनसे मतलब नहीं है, इन ये कितनी संख्याएं हैं, तो 1 से लेके 9 तक की संख्याएं हैं यानी 9 अंक हैं। इन 9 संख्याओं के जो वर्ग हैं वो 1 से लेकर 90 तक में शामिल हैं। बस केवल आपको ये समझना है कि 9 संख्याएं कैसे आईं। इसमें हमसे पूछा गया है ना एक पूर्ण वर्ग संख्या, तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या कहलाती हैं, जो किसी का वर्ग करने से प्राप्त होती हैं। अब हम 1 का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग करेंगे और इसी तरह से 9 तक के वर्ग करेंगे, तो वो जब जो संख्याएं आएंगी वो सब 90 से कम है, यानी 1 से लेकर 90 के बीच में है, तो ये संख्याएं कितनी हो जाएंगी हमारी 9। हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले तो कुल परिणामों की संख्या और उसके बाद जो अनुकूल परिणामों की संख्या लेंगे
उसमें हम लेंगे ये पूर्ण वर्ग संख्याएं। इसमें हम नीचे क्या वेरिफिकेशन देंगे, एक से 90 तक पूर्ण वर्ग संख्याएं। पूर्ण वर्ग संख्याओं की संख्या हमें संख्या नहीं लेनी है, कितनी संख्या है इसकी संख्या लेनी है। तो ये हो जाएंगी एक से लेके 81 तक की, है ना। ये सारी चीज़ें हम ब्रैकेट में लिखेंगे। यहाँ पर हम फेयर में क्या लिखेंगे, अनुकूल परिणामों की संख्या, और ये हो जाएगी 9, क्योंकि इनकी संख्या कितनी है, ये है 9। आप ये एक से लेके 81 डैश डैश करके नहीं लिखिए, आप केवल 9 लिखिए। और आपको हमने एक से 81 तक की कैसी लेनी है ये आपको हम पहले पहले बता चुके हैं। अब बस हम यहाँ प्रायिकता का सूत्र लगाएंगे, PE बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। इसमें हम मान रखेंगे तो अनुकूल परिणामों की संख्या है 9 और कुल परिणामों की संख्या है 90। यदि आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा हो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर पूछ सकते हैं। ये हो जाएगा 1/10, ये दूसरे वाले का आंसर हो गया। पहले भाग में हमसे पूछा गया है 5 से विभाज्य एक संख्या। अब देखिए जो 1 से लेकर 90 तक के अंक हैं, मैं आपको पूरे अंक नहीं लिखूंगी कभी भी, ये हमने 1 से लेकर 90 तक के अंक लिख लिए। अब इसमें कितनी संख्याएं जो 5 से विभाज्य होंगी, इसको हम निकालने के लिए क्या करेंगे, सीधा सीधा हम 90 में 5 का भाग कर देंगे, तो ये संख्याएं आ जाएंगी। ये यानी इतनी संख्याएं 18 संख्याएं हैं 1 से लेकर 90 के बीच में जो 5 से डिवाइड होती हैं। हम चाहते तो आपके लिए पहले से कार्ड बना के रख लेते, उस पर 1 से लेकर 90 तक के अंक लिख लेते, और आपको सारे अंकों पर हम गोला लगा लगा के बताते कि भाई देखिए 5, 10, 15, 20, 25 ये सब 5 से डिवाइड हो रही हैं, और बस हम उनको गिन लेते। पर एग्ज़ाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा, हम केवल 1 से 90 तक की संख्याओं में अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी संख्याएं 5 से डिवाइड होंगी। और वो अनुमान सही कैसे बैठेगा, जब हम 90 को 5 से भाग करेंगे 18 आएगा, 18 ये हमारी संख्याओं की संख्या होगी, संख्या नहीं होंगी ये संख्याओं की संख्या होगी। यहाँ पर हम शुरू करते हैं कुल परिणामों की संख्या 90। अब हम लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या, ये हो गई 18। ये 18 कैसे आया है इसका हम वेरिफिकेशन नीचे देंगे। 1 से 90 तक के अंकों में से 5 विभाज्य संख्याओं की संख्या। आप लोगों को ये वेरिफिकेशन नहीं देना है तो आप बिल्कुल नहीं दें, आप सीधा सीधा भी लिख सकते हैं अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 18। और ये 18 कैसे आया है, 90/5 से। आप अकेला इतना भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, 90/5 बराबर 18, अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 18। अब हम बस यहाँ पर प्रायिकता का सूत्र लगा देंगे, प्रायिकता PE बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। ये हो जाएगा हमारा 18/90। तो 18 का पहाड़ा भी पढ़ के सीधे काट सकते हैं, 1/18 95, और नहीं तो आप 9 से भी काट सकते हैं, 2 से भी काट सकते हैं, है ना। तो इसका आंसर आ गया तीसरे का 1/5। प्रश्न क्रमांक 19 इस प्रकार से है, एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं। ये अक्षर हैं, इस पासे को एक बार फेंका जाता है, जिसकी इसकी क्या प्रायिकता है कि ए प्राप्त हो और डी प्राप्त हो। तो पहले वाले में हम सबसे पहले तो कुल परिणामों की संख्या लिखेंगे, 6 फलक हैं तो पासे की 6 फलकों की संख्या हो जाएगी। वेरिफिकेशन नहीं लिखना है तो नहीं लिखिए, आप सीधा सीधा भी लिख सकते हैं कुल परिणामों की संख्या और अनुकूल परिणामों की संख्या। अब इसके बाद बारी आएगी अनुकूल परिणामों की संख्या 2। अब ये 2 कैसे आया है ये आप समझ लीजिए, यहाँ पर ए प्राप्त हो इसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करनी हो, जो फलक हैं वो टोटल कितनी है, 6 हैं, और इस पर ए कितने बार आया है, 2 बार आया है, तो ए प्राप्त होने की अनुकूल परिणामों की संख्या हो सकती है 2। अब हम इसमें थोड़ा सा आपको वेरिफिकेशन लिख दे रहे हैं, आप चाहें तो एग्जाम में लिखें और नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। इसके लिए हम लिखेंगे
ए अक्षर वाली फलक की संख्या। अब हम यहाँ पर सूत्र लगाएंगे, प्रायिकता पी ई बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो ये हमारा हो जाएगा, अनुकूल परिणामों की संख्या है 2 और कुल परिणामों की संख्या है 6, ये हो गया 2 एकम 2 और 2 3 6। ये 19 के पहले का आंसर आ गया 1/3। इसी दूसरा भाग इस प्रकार से है कि जब वो पांसा फेंका जाता है तो डी प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। अब डी प्राप्त हो तो पांसे की फलकों पर डी कितने बार आया है, एक बार आया है, अनुकूल परिणामों की संख्या हो जाएगी 1 और कुल परिणामों की संख्या हो जाएगी 6, तो प्रायिकता हो जाएगी हमारी 1/6। अब इसको लिखने का तरीका देख लेते हैं। ये 1 कैसे आया है इसका हम थोड़ा सा आपको वेरिफिकेशन करके बता देते हैं। डी अक्षर वाली फलक की संख्या, हम यहां पर सूत्र लगा देंगे, प्रायिकता पी ई बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। ये हो जाएगा हमारा अनुकूल परिणामों की संख्या 1 और कुल परिणामों की संख्या है 6। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 1/6। उम्मीद करती हूँ तलत अजीत जी आपको और बाकी सभी स्टूडेंट को ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर पूछ सकते हैं। ये प्रस्तुति 10 फिंगर चैनल की ओर से थी। देखने के लिए धन्यवाद।